भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बलहा गांव में भवानीपुर पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष जयंत प्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी कर नकली नोट बनाने का चल रहे गोरख धंधे का कारोबार को उजागर किया है। पुलिस टीम ने छापेमारी कर जयपुर चूहर पूरब पंचायत के वार्ड सदस्य रजनी देवी के घर से नोट बनाने वाला मशीन, नकली नोट के साथ साथ एक देसी पिस्तौल को भी बरामद किया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष जयंत प्रकाश ने बताया कि छापेमारी के दौरान 100 रुपये के 52 नोट, 50 के 3 नोट के साथ साथ नोट बनाने वाला प्रिंटर, कागज में सटा नोट वो देसी कट्टा को बरामद किया है। जबकि बिहपुर सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु ने बताया कि पुलिस टीम मामले की छानबीन कर रही है। सनमार्ग के लिए नौगछिया से संदीप की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिली थी कि पुल के कांडों के पुल में भी जाली नोटों के कारोबार करने में जेल जा चुके हैं पसराहा थाना से जी। वो फिर से ही अपने घर में जाली नोटों की छपाई कर रहे हैं और मशीन रखे हुए हैं जाली नोटों का वो कारोबार बाजार में करते हैं।